दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में दोस्तों आईपीएल का मैच नंबर 59 खेले जाने वाला है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली पे। दोनों टीमों के लिए ना दोस्तों ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो पंजाब किंग्स को अगर इस आईपीएल पे बना रहना है ना, तो उसने दिल्ली कैपिटल को बड़े मार्जिन से हराना है। बाकी दिल्ली कैपिटल्स के दो चांसेस अब बहुत कम है, बट स्टिल क्रिकेट पे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड कभी भी हो सकता है। क्लियर? तो दोनों टीम यहां पर चाहेगी एक बड़ा विन ताकि इस आईपीएल पे उनके बने रहने के चांसेस कंटिन्यू रहे। बाकी दोस्तों ये जो मैच खेले जाने वाला है, ये मैच खेले जाने वाला है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली पे। अगर आप लोग इस वेन्यू के रिकॉर्ड को देखोगे ना, तो यहां देखो यहां पर टोटल 5 मैचेस खेले गए हैं दोस्तों, और अगर आप लोग 5 मैचेस के स्कोर को देखोगे ना और विकेट लेने के पैटर्न को देखोगे, तो आप लोग समझ जाओगे कि यहां बैट्समैन और बॉलर किसे ज्यादा डोमिनेंस मिलता है। अगर आप लोग देखोगे पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में दोस्तों जो खेला गया था, उस मैच पे दिल्ली कैपिटल्स ने 162 रन बनाए थे और गुजरात टाइटंस की टीम ने उस रन को चेस कर दिया था। इनिशियली 5 विकेट पेसर को मिले थे, 3 विकेट स्पिनर को मिले थे फर्स्ट इनिंग्स में, और सेकेंड इनिंग्स में दोस्तों चारों के चारों विकेट पेसर को मिले और स्पिनर को कुछ भी विकेट नहीं मिला, क्योंकि फ्रेश पिच थी दोस्तों। आप सभी लोगों को पता होता है फ्रेश पिच में ज्यादातर एडवांटेज पेसर ही लेकर जाता है। सेकेंड मैच दोस्तों यहां पर दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में हुआ। दिल्ली कैपिटल्स ने 172 रन बनाए और मुंबई इंडियंस ने उस रन को चेस कर लिया। अगर आप लोग देखोगे दिल्ली कैपिटल्स के 5 विकेट पेसर ने निकाले थे फर्स्ट इनिंग्स में और 4 विकेट स्पिनर ने निकाले थे। सेकेंड इनिंग्स में दोस्तों मुंबई इंडियंस के जो 4 विकेट गिरे उसमें से 3 विकेट पेसर को मिले और 1 रन आउट था। मतलब शुरू के जो 2 मैच खेले गए थे, इन दोनों मैच पे स्पिनर को सेकेंड इनिंग्स पे कोई भी विकेट नहीं मिला था। थर्ड मैच दोस्तों यहां पर केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला गया। अब देखो केकेआर ने 127 रन बनाए 10 विकेट के नुकसान पे, 5 विकेट पेसर को मिले थे, 4 विकेट स्पिनर को मिले थे। जब दिल्ली कैपिटल की टीम इस रन को चेस करने आई तो 128 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे, 2 विकेट पेसर को मिले, 4 विकेट स्पिनर को मिले। यहां पर दोस्तों स्पिन थोड़ा एक्शन पे आना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में मैच हुआ। इसमें भी देखोगे तो फर्स्ट इनिंग्स में तो पेसर ने ही डोमिनेट किया, सेकेंड इनिंग्स पे यहां भी स्पिनर को विकेट्स मिले। लास्ट मैच दोस्तों यहां पर आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में हुआ, जहां पर फर्स्ट इनिंग्स में दोबारा पेसर ने डोमिनेट किया और सेकेंड इनिंग्स में आप लोग देखोगे तो पेसर को 2 विकेट और स्पिनर को 1 विकेट मिला। ओवरऑल अगर आप लोग एनालिसिस करोगे ना दोस्तों सारे मैचेस का, तो एक बात देखो फर्स्ट इनिंग्स का देखो विकेट पैटर्न क्या रहता है। फर्स्ट इनिंग्स में दोस्तों 24 विकेट पेसर को मिले हैं और 12 विकेट स्पिनर को मिले हैं, मतलब 2:1 का रेशियो है। मतलब पेसर को स्पिन के मुकाबले में डबल एडवांटेज है। सेकेंड इनिंग्स में दोस्तों इनिशियली 2 मैचेस पे तो स्पिनर के लिए कुछ भी नहीं था, बट जैसे जैसे वेन्यू पे मैचेस खेले गए ना दोस्तों स्पिन एक्शन पे आया और अब स्पिनर के लिए भी यहां पर विकेट्स निकलने स्टार्ट हो गए हैं। तो सेकेंड इनिंग्स पे अगर आप लोग मुझसे पूछोगे, क्योंकि शुरू के 2 मैच में विकेट्स नहीं मिले थे, लास्ट के मैचेस से मिलने स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा स्पिनर पेसर और स्पिनर को लगभग लगभग सेकेंड इनिंग्स पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है। क्लियर? पिच समझ में आ गया दोस्तों? पिच अगर आप लोग स्कोर देखोगे ना, तो ज्यादा हाई स्कोर मैचेस नहीं होते हैं इस वेन्यू पे। एवरेज अगर आप लोग देखोगे तो वही 160 से लेकर 180 रन तक बनेंगे। ओके, फर्स्ट इनिंग्स पे पेसर को ज्यादा एडवांटेज है, स्पिन के मुकाबले में डबल एडवांटेज है पेसर के पास, ठीक है। और सेकेंड इनिंग्स पे पेसर और स्पिनर इक्वल एडवांटेज पे रहेंगे, इस बात को आप लोग नोट डाउन कर देना। यही अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट रहने वाली है, क्योंकि मैंने आप लोगों के सामने लास्ट के 5 मैच का कंप्लीट एनालिसिस दे दिया। बाकी दोस्तों अगर लाइव पिच रिपोर्ट में कुछ भी चेंजेस आते हैं, तो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल है। सभी लोग नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लेंगे।
बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने माई इलेवन सर्कल ऐप, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल है, ज्वाइन नहीं किया है ना, फटाफट से जाकर माई इलेवन सर्कल ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लो दोस्तों। यहां पर बाकी ऐप के मुकाबले में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा कम है, प्लस जो फर्स्ट प्राइज है दोस्तों यहां पर 1 करोड़ रुपए का है। बाकी ऐप पे 1.5 करोड़ स्पॉट पे खेलते हो ना, यहां पर सिर्फ 20 लाख स्पॉट पे खेलना है, फर्स्ट प्राइस यहां पर 1 करोड़ रुपए है, कॉम्पिटिशन कम है दोस्तों। एक बार पक्का से नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से ऐप को डाउनलोड करके देख लीजिएगा। मेरे लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करते हो तो 5,000 रुपए का बोनस मिलेगा। इसे बोनस मत मानो दोस्तों, ये भी रियल कैश की तरह ही काम करेगा। एक बार ऐप को डाउनलोड करके देखो, आप लोगों को पता चल जाएगा। प्लस जो फर्स्ट टाइम डिपॉजिटर होते हैं दोस्तों, उन लोगों को यहां पर 20% रियल एक्स्ट्रा कैश मिलेगा फर्स्ट टाइम डिपॉजिट पे। मतलब अगर आप लोग मेरे लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करते हो तो आप लोगों को फर्स्ट डिपॉजिट पे CRIC23 कोड को यूज करने के बाद 20% रियल एक्स्ट्रा कैश मिलता है। चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सेक्शन वाइज एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं विकेट कीपिंग वाले सेक्शन को। विकेट कीपिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली कैपिटल्स के टीम पर आप लोगों को फिल सॉल्ट खेलते हुए दिखते हैं। फिल सॉल्ट का वेन्यू रिकॉर्ड बहुत अच्छा है दोस्तों। फिल सॉल्ट को देखो, इस वेन्यू पे एक बार 5 रन बनाए, उसके बाद 59 रन बनाए, उसके बाद 87 रन बनाए। इसका मतलब अरुण जेटली स्टेडियम पे जब फिल सॉल्ट खेलते हैं ना, तो 3 मैच में दोस्तों 50 के एवरेज से खेले हैं, बेस्ट स्कोर 87 का है और 50 दो बार बना चुके हैं। इस वेन्यू पे फिल सॉल्ट को खेलना पसंद है, प्लस विकेट कीपिंग भी करते हैं टीम के लिए, उसके भी आप लोगों को पॉइंट मिलेंगे। और एडवांटेज ये है, ओपनिंग पे खेलने आते हैं दोस्तों, ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, अच्छे खासे पॉइंट आप लोगों को दे सकते हैं, एक मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, टीम पर लेकर ही चलिएगा। बाकी बात करूं दोस्तों प्रभ सिमरन सिंह और जितेश शर्मा की, तो प्रभ सिमरन सिंह के साथ एक ही डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज यह है कि प्रभ सिमरन सिंह मोस्टली एज अ इंपैक्ट प्लेयर आप लोगों को खेलते हुए दिखेंगे। अच्छा, फर्स्ट इनिंग्स पे अगर खेलने आती है टीम पंजाब किंग्स की तो प्लेइंग 11 पे दिखते हैं। सेकेंड इनिंग्स पे अगर चेस करने आती है टीम तो ये आप लोगों को एज अ इंपैक्ट प्लेयर दिखते हैं। अगर एज अ इंपैक्ट प्लेयर दिखेंगे तो इनिशियली जो 4 पॉइंट्स होते हैं ना जो प्लेइंग 11 पे आने के, वो इन्हें नहीं मिलते हैं। सेकेंड डिसएडवांटेज दोस्तों प्रभ सिमरन सिंह के साथ ये है कि ये आपको फील्डिंग पे कुछ भी पॉइंट नहीं देंगे, क्योंकि ये फील्डिंग करते ही नहीं है, क्लियर। ये सिर्फ बैटिंग करने आते हैं, तो बैटिंग पे जो पॉइंट देंगे वही पॉइंट आप लोगों के पास प्रभ सिमरन सिंह के रहेंगे, बाकी कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं रहेगा। बाकी बैटिंग पे परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो कंसिस्टेंसी थोड़ा सा कम है। देखो 60 रन बनाया, उसके बाद 3 मैच पे कंप्लीट फ्लॉप रहे, उसके बाद 46 रन बनाया, फिर 2 मैच में कंप्लीट फ्लॉप रहे, फिर 42 बनाया है, फिर लास्ट के 2 मैच से कंप्लीट फ्लॉप रहे। एक तरीके से आप लोग अगर रिस्क टेकर हो, मेगा ग्रैंड लीग पे ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। बाकी बात करूं दोस्तों यहां पर जितेश शर्मा की, जितेश शर्मा ने इस पूरे आईपीएल पे अच्छी इनिंग्स खेली है। यहां देखोगे कंसिस्टेंसी 27, 25, 41, 25, 24, 21, 49, 21, लगभग हर मैच पे आप लोगों को पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं। प्लस जितेश शर्मा के साथ दोस्तों एडवांटेज है कि जितेश शर्मा आप लोगों को विकेट कीपिंग करते हुए दिखते हैं, क्लियर। तो विकेट कीपिंग के पास तो बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ ही जाते हैं, आप लोगों को पता है, कैचेस मिलने ही है, रन आउट हमेशा मोस्टली विकेट कीपर एंड्स पे ही होते हैं, स्टंपिंग के चांस हमेशा से बने रहते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, और आप लोगों ने भी इस कंपैरिजन को सुना, मुझे ऐसा लगता है जितेश शर्मा मुझे एक अच्छा पॉइंट दे सकता है प्रभ सिमरन सिंह के मुकाबले में। तो विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से दोस्तों मैं फिल सॉल्ट और जितेश शर्मा को अपने टीम पर लेकर जाऊंगा। अब आ जाओ दोस्तों बैटिंग वाले सेक्शन के एनालिसिस पे। अच्छा, आज के गिवअवे का क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछूंगा ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे, तो सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखो, क्लियर, और गिवअवे पे पार्टिसिपेट पक्का से कीजिए। डेविड वार्नर की अगर मैं बात करूं तो डेविड वार्नर पे कंसिस्टेंसी तो है दोस्तों। यहां देखो 37,
65, 51 यहाँ फ्लॉप रहा है, फिर 57, फिर 21, लास्ट के कुछ मैच से फ्लॉप हो रहे हैं, देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5। अब लास्ट के 5 मैच से फ्लॉप हुए हैं ना, अगर आप लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे ना, इनका बहुत जबरदस्त है। 23 मैच पे 50 का इनका हेड टू हेड एवरेज है। इसका मतलब अगेंस्ट पंजाब किंग्स डेविड वॉर्नर को खेलना पसंद है, क्लियर। तो कुछ मैचेस से फ्लॉप हो रहे हैं ना, स्टैटिस्टिकली भी 41 के एवरेज से खेलते हो, लास्ट के 5 मैच में इन्हें कितना रन बनाना चाहिए, इन्हें बनाना चाहिए लास्ट के 5 मैच में 205 रन। इन्होंने कितने रन बनाए हैं अगर यहां पर देखोगे तो 44-45 रन इन्होंने बनाया। लैग कर रहे हैं दोस्तों बहुत ज्यादा। इस मैच पे एक अनएक्सपेक्टेड जबरदस्त पारी आ सकती है डेविड वॉर्नर की तरफ से, एक मस्ट पिक रहेंगे। सीवीसी भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, इस बात को नोट डाउन करके रखिएगा। मनीष पांडे की अगर मैं बात करूं तो मनीष पांडे का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, क्लियर। अगर आप लोग देखोगे यहां बैटिंग नहीं है, यहां 0, यहां 26, फिर एक मैच में 50, फिर 21, फिर 34, फिर 1-1 बैटिंग नहीं, 27, मतलब ज्यादा बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे हैं मनीष पांडे, क्लियर। अगर आप लोग ओल्ड फॉर्मेट पे जाते हो तो आप लोग कंसिडर कर सकते हो, न्यू फॉर्मेट पे होपफुली मैं मनीष पांडे को ड्रॉप करके चलूंगा। बट दोस्तों इस मैच पे मेरे पॉइंट पे रह सकते हैं राइली रूसो, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनिशियली आईपीएल पे 2 मैच खेले थे, उसके बाद रेस्ट फेस पे रहे, लास्ट के 2 मैच में 35-35 रन की अच्छी पारी खेली। बट दोस्तों ध्यान रखिएगा, राइली रूसो बहुत हाई पोटेंशियल प्लेयर है, सिलेक्शन परसेंटेज डाउन दिख रहा होगा बट एक गेम चेंजर प्लेयर बन सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एज अ पंट पिक आप लोग आज के मैच पे ट्राई कर सकते हो, आप लोगों को एक बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है। बाकी बात करूं दोस्तों रिपल पटेल की, तो रिपल पटेल का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, 10 मैच में से एक भी मैच में अभी तक इंपैक्टफुल पारी नहीं आई है, मैं इन्हें ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी बात करूं दोस्तों पंजाब किंग्स के टीम पर, तो यहां पर आप लोगों को शिखर धवन ओपनिंग करते हुए दिखते हैं, 86, 99, 8, फिर यहां बैटिंग नहीं किया, इंजरी हो गई थी, फिर 28, 30, 57, कंसिस्टेंसी है दोस्तों, क्लियर। शिखर धवन के पास कंसिस्टेंसी है, वेन्यू पे 21 मैच में 39 के एवरेज से खेले हैं, 92 बेस्ट स्कोर है, और इनका जो 92 का बेस्ट स्कोर है वो अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल ही है इसी वेन्यू पे, क्लियर। तो दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट खेलना पसंद करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे दोस्तों, टीम पर आप लोग पिक करके ही चलिएगा। बाकी बात करूं भानुका राजापक्षा के परफॉर्मेंस, काफी टाइम से अच्छा नहीं चल रहा है, आप लोग इन्हें ड्रॉप करके चल सकते हो। बाकी शाहरुख खान के पास कुछ मेजर अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है, बहुत नीचे खेलने आते हैं, इन्हें भी ड्रॉप किया जा सकता है। तो बैटिंग वाले सेक्शन से मेरे जो 3 पिक है जो इस मैच पे आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं, वो है दोस्तों आप लोगों के लिए डेविड वॉर्नर, राइली रूसो और शिखर धवन, क्लियर। स्मॉल लीग पे आप लोग चाहो तो राइली रूसो को ड्रॉप कर सकते हो, बट मेगा ग्रैंड लीग पे एज अ पंट पिक पक्का से ट्राई कीजिएगा। अब आ जाओ दोस्तों अपने ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे। ऑलराउंडर वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मिशन मार्श का परफॉर्मेंस वेन्यू पे जबरदस्त है और रीसेंट फॉर्म भी जबरदस्त है, बैटिंग से नहीं बॉलिंग से। यहां देखो, यहां लास्ट के कुछ मैच देखो, 63 रन 4 विकेट, 26 रन 2 विकेट, 5 रन 3 विकेट, क्लियर। तो और ये इसी सेम वेन्यू पे, मतलब वेन्यू पे बॉलिंग कर रहे हैं और विकेट्स भी निकाल रहे हैं और रन भी बना रहे हैं वेन्यू पे लास्ट के 2 मैच से, क्लियर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे दोस्तों, और सीवीसी के भी एक अच्छे कंटेंडर रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर। मिशेल मार्श मस्ट पिक, सीवीसी इंपॉर्टेंट कंटेंडर। अक्षय पटेल हर मैच पे परफॉर्मेंस है, हर मैच पे दोस्तों, यहां देख लो, यहां परफॉर्मेंस है, यहां फ्लॉप, यहां परफॉर्मेंस है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां फ्लॉप है, यहां फ्लॉप है, फिर परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंसी देख रहे हो दोस्तों, लगभग हर मैच पे परफॉर्म करके दे रहा है टीम को, क्लियर। एक मस्ट पिक प्लेयर है दोस्तों, आप लोग ड्रॉप मत कीजिएगा अक्षय पटेल, ये भी आप लोगों के लिए सीवीसी के एक अच्छे कंटेंडर रहते हैं, क्लियर। बाकी दोस्तों अमन खान की अगर मैं बात करूं, सिर्फ अभी तक एक मैच में परफॉर्मेंस है, बाकी हर मैच में फ्लॉप है, आप लोग ड्रॉप करके चल सकते हो।
ललित यादव की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सेकेंड इनिंग्स पे तब भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, दो तीन ओवर अगर कराया जाएगा, अगर स्पिन को एडवांटेज होगा, सेकेंड इनिंग्स पे जैसे मिल जाते हैं स्पिनर को विकेट्स तो वहां पर इंपॉर्टेंट है, बैटिंग पे बहुत नीचे खेलने आता है, मैं ड्रॉप करके ही चलूंगा, क्लियर। तो यहां से मेरे लिए मिशन मार्श और अक्षर पटेल ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी पंजाब किंग्स की टीम की मैं बात करूं तो यहां पर लियाम लिविंगस्टन को अगर आप लोग देखोगे तो यहां देखो, यहां परफॉर्म नहीं कर पाए थे, उसके बाद 10 रन एक विकेट ठीक है, 23 रन एक विकेट ठीक है, 40 रन ठीक है, 82 रन ठीक है, लास्ट मैच में परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा था। बट दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, लियाम लिविंगस्टन बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं, इसीलिए एक इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं। सीवीसी लोग ट्राई करेंगे, सीवीसी ट्राई करने की मेरे हिसाब से इतनी जरूरत नहीं रहेगी। बाकी बात करूं दोस्तों सैम करन का परफॉर्मेंस इस आईपीएल में उतना अच्छा अभी तक नहीं आया है। यहां देखो सैम करन का परफॉर्मेंस, फ्लॉप 22 रन 0 विकेट, फ्लॉप 22 रन 1 विकेट ठीक है, 6 रन 3 विकेट ओके, 10 रन फ्लॉप, 55 रन ओके, 21 रन 1 विकेट ठीक है, 29 रन 1 विकेट ठीक है, यहां फ्लॉप, क्लियर। वो जबरदस्त कैप्टनशिप वाली पारी अभी तक सैम करन की दिखी नहीं है, बट हां यहां पर क्योंकि पेसर को एडवांटेज है, सैम करन आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं दोस्तों, टीम पर पिक करके ही चलिएगा। बाकी बात करूं दोस्तों ऋषि धवन की, तो ऋषि धवन स्टार्टिंग पे आते हैं, 2 ओवर करेंगे, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, मेगा ग्रैंड लीग पे एज अ पंट पिक आप लोग ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग पे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेगा ग्रैंड लीग पे ट्राई किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑलराउंडर वाला सेक्शन काफी सिंपल सेक्शन है, दिल्ली कैपिटल के टीम से हम लोग मिशन मार्श को लेकर चलेंगे, हम लोग अक्षर पटेल को लेकर चलेंगे, बाकी जो 2 प्लेयर हम लोग ड्रॉप करने वाले हैं वो रहेंगे अमन खान और ललित यादव। बाकी पंजाब किंग्स की टीम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम लोग अपने टीम पर लियाम लिविंगस्टन को लेकर चलेंगे, सैम करन को लेकर चलेंगे और ऋषि धवन हमारे रहेंगे डिफरेंशियल पे। अब आ जाओ दोस्तों बॉलिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो कुलदीप यादव का वेन्यू परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, इस बात को ध्यान से देखिएगा, 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, क्लियर। 5 मैच खेले हैं इस वेन्यू पे, उसमें सिर्फ इन्होंने 2 विकेट निकाले हैं, क्लियर। और जबकि जो बाहर मैच खेले हैं 5, उसमें 1 और 2 3 4 5 6 विकेट निकाले हैं। इसका मतलब इस वेन्यू पे सीधा सीधा पता चल जाता है कि पेस स्पिनर को उतना एडवांटेज नहीं है, बट लास्ट के क्योंकि 2 मैच से अच्छे विकेट्स मिल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, सेकेंड इनिंग्स में इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं बट फर्स्ट इनिंग्स में शायद उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। ईशान शर्मा की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये अपने पूरे ओवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 2 या 3 ओवर करेंगे उसके बाद चले जाते हैं, फील्ड से बाहर ही चले जाते हैं मोस्टली, आप लोगों ने देखा होगा परफॉर्मेंस लास्ट के 2 मैच से तो आया नहीं है, उतनी शार्पनेस नहीं दिख रही है, मैं होपफुली ड्रॉप करके ही चलूंगा। बाकी बात करूं दोस्तों खलील अहमद की, तो खलील अहमद यहां पर आप लोगों को डेप्थ पे बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, विकेट टेकर है, अपने पूरे 4 ओवर कराएंगे, 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, खलील अहमद दोस्तों इस मैच पे फर्स्ट इनिंग्स में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, सेकेंड इनिंग्स पे आप लोग चाहो तो खलील अहमद के बदले कुलदीप यादव को भी ट्राई कर सकते हो। बाकी हरप्रीत बरार की अगर मैं बात करूं तो हरप्रीत बरार को मैं दोस्तों ड्रॉप करके ही चलूंगा, ठीक है, ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है, एक ही मैच में इन्होंने अभी तक 2 विकेट निकाले हैं, बाकी अपने ओवर्स भी पूरे नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। राहुल चहर का भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं आया है दोस्तों, लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले थे बट उससे पहले अगर आप लोग देखोगे तो कंप्लीट फेलियर रहा है, राहुल चहर को भी मैं ड्रॉप करके चलूंगा। अर्शदीप सिंह एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं आज के इस वेन्यू पे, ध्यान रखिएगा दोस्तों अर्शदीप सिंह पे, विकेट टेकर है, विकेट्स निकालते हैं, लास्ट के 1-2 मैच से कुछ खास मेजर विकेट्स नहीं मिले हैं, रन बहुत पिटाया है, हो सकता है इस मैच पे आप लोगों को एक इंपैक्टफुल विकेट टेकर बॉलर बनते हुए दिखे। नाथन एलिस भी दोस्तों क्योंकि यहां पेसर को एडवांटेज है, एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं, कगिसो रबाडा अगर खेलते हैं तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे आज के इस मैच पे, क्लियर है। अभी के टाइम पे दोस्तों जो मेरी टीम है उस टीम को आप लोग देख लीजिए,
अगर टीम को देखोगे तो दोस्तों यहां पर मैंने फिल सॉल्ट और जितेश शर्मा दोनों को ले रखा है, बाकी बैटिंग वाले सेक्शन पे डेविड वार्नर और शिखर धवन है, और मेरे डिफरेंशियल पंट पिक कौन है आज के इस मैच के, राइली रुजुव है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे मिशन मार्श, अक्षर पटेल, लियाम लिविंगस्टन और सैम करन है। यहां पर दोस्तों आप लोगों के लिए धवन एक, ऋषि धवन एक डिफरेंशियल पिक रह सकते हैं, स्टार लगा के उन्हें भी लिख लीजिएगा। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन पे दोस्तों अभी के टाइम पे खलील अहमद है, सेकेंड इनिंग्स में यहां पर आप लोग कुलदीप यादव को ट्राई कीजिएगा, बाकी अभी के टाइम पे नाथन एलिस और अर्शदीप सिंह है। बाकी कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर अगर आप लोग पूछोगे तो दोस्तों मेरे लिए इस मैच के कैप्टन के कंटेंडर रहेंगे मिशेल मार्श, और वाइस कैप्टन के कंटेंडर दोस्तों आज के इस मैच पे आप लोगों के लिए डेविड वार्नर, शिखर धवन और अक्षर पटेल, ये तीन लोग आप लोगों के लिए वाइस कैप्टन के आज के इस मैच के अच्छे चॉइस रह सकते हैं। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आप लोगों ने माई इलेवन सर्कल आपको डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे जाकर आपको पक्का से डाउनलोड कर लीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस खेल में आदत लगना और आर्थिक जोखिम संभव है, सभी लोग जिम्मेदारी से खेले। धन्यवाद दोस्तों।